हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिकअप मैथ्स। माई सेल्फ अरुषि चतनानी। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 ऑफ चैप्टर क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल एंड पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने देखिए रेक्टेंगल जैसे बोला हुआ है, ए बी सी डी ड्रॉ किया हुआ है। इसमें जो है पी जो है मिड पॉइंट ऑफ ए बी ड्रॉ किया है, Q जो है मिड पॉइंट ऑफ BC, R इज मिड पॉइंट ऑफ CD एंड S इज मिड पॉइंट ऑफ DA ड्रॉ किया है। नाउ यू हैव टू शो दैट क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए रोम्बस। तो ये PQRS अगर हम जो ज्वाइन करेंगे उसे हमें रोम्बस प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, प्रूफ कैसे करेंगे। सबसे पहले हमको लिखना होगा गिवन क्या है। तो हम लिखेंगे गिवन, गिवन में हमको गिवन है ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ये गिवन है, और गिवन है मिड पॉइंट्स ऑफ द रेक्टेंगल। तो हमको ये भी मेंशन हो करना होगा पी कॉम क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ, जिस जिसके मिड पॉइंट्स उसको मेंशन कीजिए। यहाँ पे मिड पॉइंट्स ऑफ पी जो है मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, तो ए बी, क्यू जो है मिड पॉइंट ऑफ बी सी, आर इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी एंड एस इज मिड पॉइंट ऑफ डी ए, रेस्पेक्टिवली लिख लेते हैं यहाँ पे। नाउ आपको प्रूव करना है, टू प्रूव पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस, ये प्रूव करना है। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस। रोम्बस प्रूफ करने के लिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना होगा, हमें इनके इसके चारों साइड्स को इक्वल प्रूफ करना होगा, ठीक है। नाउ हम पहले लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन हम क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में ए और सी को ज्वाइन किया है, मतलब इस रेक्टेंगल के डायगोनल को ज्वाइन कर दिया है ए सी को। तो मैं यहाँ मेंशन करूँगी ज्वाइन ए सी। अब हम करेंगे प्रूफ स्टार्ट। तो लिखिए प्रूफ, सबसे पहले मैं क्या करने वाली हूँ, ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल को लेने वाली हूँ, ठीक है। तो मैं लिखूँगी इन ट्राइंगल ए बी सी, आप देखिए पी किसका मिड पॉइंट है, ए बी, तो मैं यहाँ मैं लिखूँगी पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये आपको गिवन है। अब क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ये आपने गिवन में लिख लिया। नाउ देखिए, इस ट्राइंगल का मिड पॉइंट पी है, इस साइड का मिड पॉइंट क्यू है, और पी क्यू को अगर ज्वाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो इस ए सी का हाफ और पैरेलल होगा। ये आपने मिड पॉइंट थ्योरम में पढ़ा था। आप मिड पॉइंट थ्योरम को अगर नहीं देखे होंगे तो मेरे प्रीवियस वीडियोज़ भी देख सकते हैं, मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर कोई भी ट्राइंगल है और उसके मिड पॉइंट्स गिवन है तो क्या होगा, अगर मैं मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती हूँ तो वो थर्ड साइड के पैरेलल भी होता है और हाफ ऑफ थर्ड साइड भी होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी पी क्यू इज, दिस इम्प्लाइज दैट पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी, ये पी क्यू जो है ए सी के पैरेलल होगा, और लिखेंगे पी क्यू इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी, ये क्यों होगा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। आप मिड पॉइंट थ्योरम फुल में लिखिएगा। नाउ देखिए, मैंने ये ट्राइंगल कर लिया, अब मैं ऊपर वाला ट्राइंगल करूँगी, कौन सा ट्राइंगल, ए डी सी। तो यहाँ पे मेंशन करेंगे नाउ इन ट्राइंगल ए डी सी, ट्राइंगल ए डी सी में क्या है, एस मिड पॉइंट है और आर मिड पॉइंट है, किसके, ए डी और सी डी के। तो यहाँ पे लिखिए एस इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी, या आप इसको डी ए भी लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना है। अगर क्वेश्चन में डी ए है तो मैं डी ए ही मेंशन कर देती हूँ उसे, डी ए, एंड आर इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी, आर इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी, ये दोनों गिवन है। तो यहाँ पे रीजन लिखिए गिवन। नाउ अब फिर अगेन यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई होगा, क्यों, क्योंकि इस ट्राइंगल ए सी डी में एस मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड है और आर मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड है, मिड पॉइंट को ज्वाइन किया तो क्या बना, एस आर, एस आर क्या हो जाएगा, थर्ड साइड के ए सी के पैरेलल और हाफ ऑफ ए सी, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहाँ पे दिस इम्प्लाइज दैट एस आर इज पैरेलल टू ए सी
and SR is equals to half of AC, यहाँ पे by midpoint theorem. अब देखिए इस और इसको कंपेयर करिए, PQ parallel to AC है, SR parallel to AC है, तो क्या हो जाएगा, AC AC common हो गया, तो PQ और SR parallel हो जाएंगे. यहाँ देखिए PQ जो है वो AC के parallel है, SR जो है AC के parallel, तो PQ और SR parallel हो जाएंगे. तो मैं इसे लिख देती हूँ PQ, therefore या this implies है PQ parallel to SR, और PQ is equals to half of AC है, SR भी equals to half of AC है, तो PQ और SR क्या हो जाएंगे, equal. हम लिखेंगे PQ is equals to SR. यहाँ पे मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल देती हूँ और इक्वेशन नंबर इसे 2 डाल देती हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख सकूँगी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2. तो ये आप इक्वेशन 1 एंड 2 से आप इसे कंपेयर करके ला रहे हैं, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं. नाउ अब आपने एस आर और पी क्यू को पैरेलल कह दिया, तो क्या हो जाएगा, पी क्यू एस आर एक पैरेललोग्राम हो जाएगा. देयरफॉर पी क्यू एस आर इज ए पैरेललोग्राम. यहाँ देखिए मैं इस फिगर को यहाँ पर समझा रही हूँ आपको, आपका फिगर इस तरीके से पी क्यू और आर एस, पी क्यू आर एस है आपका फिगर. तो क्या होगा, पी क्यू एस आर के पैरेलल है, पी क्यू एस आर के पैरेलल है, आपने अभी यहाँ से लिया पी क्यू एस आर के इक्वल भी है, ये दोनों साइड्स इक्वल भी है, तो अपोजिट साइड्स जो है वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल भी है इक्वल भी है, तो पी क्यू एस आर क्या होगा, पैरेललोग्राम. हम लिख सकते हैं पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम. अब पी क्यू आर एस जो है आपका पैरेललोग्राम है, तो आपको इसको रीजन भी लिखना पड़ेगा, वन पेयर सिंस वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. ठीक, तो इसीलिए पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम हो गया. अभी पी क्यू आर एस अगर आपका पैरेललोग्राम हो गया तो क्या होगा, पी क्यू आर एस आर को तो आपने इक्वल पहले ही कह चुका है, और अब क्या होगा, पी एस इक्वल्स टू आर क्यू होगा, तो हम लिख सकते हैं पी एस इज इक्वल्स टू आर क्यू. दिस इम्प्लाइज दैट पी एस इज इक्वल्स टू आर क्यू और पी क्यू इज इक्वल्स टू एस आर, पी क्यू इक्वल्स टू एस आर, ये आप यहाँ पे प्रूव भी कर चुके हैं पी क्यू इज इक्वल्स टू एस आर. तो मैं इसे इक्वेशन नंबर 3 डाल देती हूँ क्योंकि ये मुझे लेटर यूज आने वाला है. ठीक है, तो ये हो गया मेरा यहाँ तक. अब मुझे क्या करना है, मैंने इस और इस साइड को इक्वल कह दिया, इस और इस साइड को इक्वल कह दिया. अगर मैं इन दो साइड एडजेसेंट साइड को इक्वल प्रूव करूँगी तभी रोम्बस होगा, क्योंकि रोम्बस में चारों साइड इक्वल होते हैं, तो मुझे पी क्यू पी एस को इक्वल प्रूफ करना होगा. इसके लिए मैं क्या करने वाली हूँ, इसके लिए मैं ये ट्राइंगल ए पी एस और बी पी क्यू को लेने वाली हूँ. पहले मुझे ए एस और बी क्यू को इक्वल करना है, तो ये कहाँ से होगा, तो देखिए यहाँ पे नाउ वी नो दैट क्या ए डी इक्वल्स टू बी सी होगा, ए डी इक्वल्स टू बी सी एज इट इज अपोजिट साइड्स ऑफ, इट इज अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल. अब ए डी इक्वल्स टू बी सी हो गया, तो ए डी का क्या होगा, ए डी अगर बी सी के इक्वल है तो हाफ ऑफ ए डी और बी सी भी इक्वल हो सकता है, हाफ ऑफ ए डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी, ये भी होगा. हाफ ऑफ ए डी क्या स्टूडेंट्स, ए एस, और हाफ ऑफ बी सी क्या है, बी क्यू. तो मैं लिख सकती हूँ ए एस इज इक्वल्स टू बी क्यू, इसे मैं फोर्थ इक्वेशन देती हूँ. अब मैंने इन दोनों को इक्वल कर दिया, तो मैं ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल मतलब ए पी एस और बी पी क्यू को कंपेयर कर सकती हूँ. नाउ इन ट्राइंगल ए पी एस एंड ट्राइंगल बी पी क्यू, इसमें क्या है, ए एस इक्वल्स टू बी क्यू, आपने इक्वेशन नंबर 4 से प्रूव किया था, तो लिखिए ए एस इज इक्वल्स टू बी क्यू फ्रॉम इक्वेशन 4. और क्या है, एंगल ए और एंगल बी ये इक्वल होंगे, क्योंकि ए डी और बी सी साइड ऑफ रेक्टेंगल है, तो एंगल डी ए बी और सी बी ए ये क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री, यानी कि मैं इसको कह सकती हूँ एस ए पी और क्यू बी पी भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि रेक्टेंगल के एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री. तो मैं लिख सकती हूँ एंगल एस ए पी, एंगल एस ए पी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू बी पी, एंगल क्यू बी पी 90 डिग्री. ठीक, दोनों इक्वल होंगे क्योंकि एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल है. वैसे ही
ए पी इक्वल्स टू बी पी लिख सकते हैं, क्यों पी इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, तो ए पी इक्वल्स टू बी पी, क्यों मिड पी इज, यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो देखिए यहाँ पे ए एस और बी क्यू को इक्वल कर दिया, एंगल ए एंगल बी को इक्वल कर दिया, ए पी इक्वल्स टू बी पी कर दिया, तो ट्राइंगल ए पी एस और बी पी क्यू क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। क्यों कॉन्ग्रेंट होंगे, बाय साइड एंगल साइड के थ्रू। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ए पी एस इज इक्वल्स टू, सॉरी कॉन्ग्रेंट्स टू ट्राइंगल बी पी क्यू बाय साइड एंगल साइड। अब ये दोनों अगर इक्वल हो गए तो इसके साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे, तो पी एस और पी क्यू हो जाएगा इक्वल। दिस इम्प्लाइज दैट पी एस इज इक्वल्स टू पी क्यू बाय सी पी सी टी, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। इसे मैं इक्वेशन नंबर 5 देती हूँ। अब स्टूडेंट्स मैं इक्वेशन नंबर 3 और 5 को कंपेयर करने वाली हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 5, अब देखिएगा पी एस इक्वल्स टू पी क्यू जो अगर फिफ्थ इक्वेशन में मैं इसे एज इट इज लिख लेती हूँ, पी एस इक्वल्स टू पी क्यू फिफ्थ इक्वेशन है। अब देखिए पी एस इक्वल्स टू आर क्यू भी है थर्ड इक्वेशन से, तो मैं पी एस इक्वल्स टू आर क्यू भी हो गया, ठीक है। और देखिए पी क्यू इक्वल्स टू एस आर है, तो पी क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू जो है एस आर भी होगा, तो मैं यहाँ पर एस आर भी लिख देती हूँ। तो दैट मीन्स पी एस पी क्यू आर क्यू एस आर, ये चारों साइड इक्वल हो गए, तो ये फिगर क्या हो गया, दिस फिगर इज ए रोम्बस, क्योंकि रोम्बस के चारों साइड इक्वल होते हैं। तो हम प्रूव कर चुके हैं कि पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस, और आपको यही जो है प्रूव करना था पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस। तो आपने प्रूव कर दिया पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस, ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 के साथ मिलते हैं। टिल देन बी सेफ एंड गुड बाय।